friends so today the second chapter in history but before let's get down to some exercises isse chapter in par special dhyan dash was the turkish slave and the first sultan of india pehla sultan of india and he was a turkish slave ye aapko pata rehna iltumish belong to the dash ट्राइब एक ट्राइब है उसका नाम क्या है डैश वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बेंगाल इन ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्स टूवर्ड्स होम बलबान इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम्स ऑफ डैश एंड डैश बलबान इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम्स वो जब नहीं बोलते हैं ना पेरीपोनाजी so ये कुछ ऐसा ही कुछ, कुछ कस्टम था मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम वन एंड दो इन कॉलम टू मामलुक सुल्तान खुवल इस्लाम मॉस्क नसरुदन खबाचा याकूत बलबान और यहाँ आपके ऑप्शंस है सिंध अफ्रीकन एडवाइजर रीजेंट ऑफ नसरुद्न मोहम्मद स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक मैं ये क्या कर रहा हूँ आप लोगों को शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा पॉइंट ये कि ये सिर्फ नाम जो आप सुन रहे हो ना ये नाम अगर आपके दिमाग में हिट करना चाहिए उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन देखिए हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली मेंशन थ्री प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इल्तुतमिश जब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं थ्री प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इल्तुतमिश तो चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन पर हाउ डू वी नो दैट रजिया वॉज अ श्रूड पॉलिटिशियन रजिया सुल्ताना नाम तो सुना होगा नहीं सुना तो आज सुनोगे हाउ डिड बलबान बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली हाउ डिड बलबान स्ट्रेंथन हिज रूल लुक एट द पिक्चर आन आंसर द क्वेश्चनो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मंगोल लीडर मंगोल कौन थे ये मोंगोल अभी जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं टर्क्स के बारे में यहां आ गया मोंगोल मोंगोल में एक चीज तो देख रहा है कॉमन कि चेहरा बड़ा गोल है यस दे आर मोंगोल्स जिनका चेहरा हो गोल वो है मोंगोल चलिए so are you guys ready for chapter two the Delhi Sultanate mind map में कुछ करते हैं पहले आइए देखते हैं mind map क्या बोलता है mind में map होना चाहिए the slave dynasty का बात हो रहा है यहाँ पर दोस्तों slave dynasty से आ रहा है कुतुबुद्दीन एहबक शमसुद्दीन इल्तुमिश रजिया सुल्तान घियासुद्दीन बलबान क्या कहा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कहा क्या कहा जा रहा है फॉर्मर स्लेव कुतुबुद्दीन एबक पहले स्लेव था former मतलब पहले एंड रोज अंडर घोरी कौन सा घोरी याद करिए चैप्टर वन में पढ़ा था मोहम्मद घोरीत उल इस्लाम मॉस्क एंड मीनार ये नाम किससे जोड़ना है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से जोड़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन मतलब दामाद जी कौन था इतुमिश इल ट्राइब ऑफ टर्क को से बिलोंग करते थे अभी क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स में विच ट्राइब इलबारी ट्राइब राइट बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिनका सॉल्व किया प्रॉब्लम्स क्या था इल्तुमिश ने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आइए देखते हैं जब इल्तुमश राजा बने तो क्या प्रॉब्लम्स आया रेबेलियन हुआ रेबेलियन किसने किया नसीरुद्दीन कुबाचा ने रेबेलिन किया अल मर्दान डिक्लेयर्ड सेल्फ इंडिपेंडेंट अभी मर्दान कौन है पता करेंगे हम डिसकंटेंडेड इंडिजीनियस रूलर्स। पता करेंगे हम अमीर ऑफ डेली एक्सप्रेस रिजेंटमेंट अमीर ऑफ डेली ए एम आई आर एस जैसे ये इलबारा ट्राइब है ये टर्क्स है तो अमीर भी एक जाति थी अपियरेंस ऑफ मंगोल्स, मंगोल आ गए चंगेज खान आ गए खतरा था उनसे ने बड़ी समझदारी से काम लिया अगर कोई मेरे पास आए कि देखो देखो मुझे वो पहलवान मार रहा है मुझे बचाओ और अगर मुझे लगे कि वो पहलवान वाकई ही बहुत शक्तिशाली है मैं उसे बचाने जाऊंगा तो वो पहलवान मुझे भी नहीं छोड़ेगा ऐसा ही परिस्थिति था दोस्तों मोंगल्स ने अटैक किया मोंगल्स ने एक राजा पर अटैक किया और इल्तुमुश के पास पहुंच गया वो राजा अरे भाई मुझे बचा ले इल्तुमुश समझदार था तुम्हें बचाने के चक्कर में मोंगल्स मेरे राज्य पर हमला बोल देगा उसने नहीं साथ दिया इंपॉर्टेंट की वर्ड्स जानना है आपको ज रियली इंपॉर्टेंट gani गानी छहलगानी basically Turks, Turks क्या करते थे Group of फोर्टी nobles, बाद में आप पढ़ोगे अकबर के दरबार में नौरतन। तो ये Turks के चालीस नोबल्स रहते थे जो एडवाइजरी का काम करते थे तो छहल मतलब 40 नोबल्स

उसकी भी रणनीति और कूटनीति भी बनाते थे डेल्ही सल्तनत द रूल ऑफ फाइव अनरिलेटेड डायनेस्टीज इन इंडिया अनरिलेटेड डायनेस्टीज अनरिलेटेड ये एक डायनेस्टी दूसरे डायनेस्टी से कोई संबंध नहीं था बिफोर द कमिंग ऑफ द मुगल्स मुगल्स तो आप जानते ही हो अकबर का नाम सुना है बाबर का नाम सुना है उन्हें हम कहते हैं मुगल्स मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत पांच डायनेस्टी ने रूल किया क्या कि आप जानना चाहोगे वो पांच डायनेस्टी कौन थे बताते हैं अभी डिवाइन मतलब समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू गॉड मामलुक का मतलब क्या है स्लेव इन अरबिक सो अकबर साहब के आने से पहले शाहजहां साहब के आने से पहले शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके आने से पहले पांच अनरिलेटेड डायनेस्टीज दोस्तों फाइव अनर रिलेटेड डायनेस्टीज इन इंडिया डायनेस्टीज मतलब राज्य साम्राज्य डायनेस्टी जैसे आज मैं राज्य किया मेरा बेटा राज्य करेगा फिर उसका बेटा राज्य करेगा डायनेस्टी कुछ टाइम लाइन पर भी नजर डालते हैं मामलुक डायनेस्टी मामलुक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द मामलुक डायनेस्टी मामलुक का मतलब होता है दोस्तों स्लेव कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे हम कि किसने कुतुबुद्दीन को पहले खरीदा था एक काजी साहब ने कुतुबुद्दीन को खरीदा था काजी मतलब बेसिकली लर्नेड पर्सन जैसे पंडित होते हैं हिंदूज में काजी होते हैं मुसलमान में और वो पढ़े लिखे लोग होते हैं क्योंकि काजी साहब ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था उन्होंने इनको परवरिश दी पढ़ाई किया शिक्षा दिया उसके बाद जब काजी साहब चल बसे तो काजी साहब ने बेच दिया मोहम्मद गोरी को और मोहम्मद गोरी ने देखा कि अरे कुतुबुद्दीन ऐबक तो बड़ा ही होनहार है घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग भी आता है और उसे तीरंदाजी भी आता है जिसे हम आर्चरी कहते हैं और पढ़ा लिखा नौजवान है हिम्मत है हौसला है तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक को भारी कीमत देकर खरीद लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के जाने के बाद मामलुक डायनेस्टी 1206 सो सीई पे मामलुक डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद क्या होता है 1210 में इलतुमिश जो जमाई साहब जो जमाई बाबू थे ही असेंडेड द थ्रोन 1221 ट्वेंटी वन ग्यारह साल बाद मुगल्स द मोंगल्स सॉरी नॉट द मूगल्स द मोंगल्स अपियर ऑन द इंडस वैली बहुत समझदारी से ने इसे टैकल किया था और 1236 पे रजिया सुल्तान असेंडेड द थ्रोन द ओनली विमेन सुल्तान इन इंडिया विमेन so, पावर को कोई कमजोर ना समझे आज से लगभग 800 साल पहले रजिया सुल्तान ने यह कर दिखाया था यस विमेन है तो क्या है उस जमाने में भी दिक्कत आई थी ये जो 40 नोबल्स थे ना छहल घनी जिसे हम कहते हैं इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि रजिया सुल्तान एक बच्ची एक लेडी एक फीमेल हमारे ऊपर राज करे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ये कहानी भी हम पढ़ेंगे दोस्तों 1284 में बलबान साहब का देहांत हो जाता है 1284 पे आइए पूरे कहानी को अच्छे से जानते हैं समझते हैं और मजा लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं चित्र ये बलबान का टूम्ब है आप कितने भी बलवान हो एक ना एक दिन तो आपको मरना ही पड़ेगा यह है भगवान का बनाया हुआ नियम भगवान का नियम बोलो अल्लाह का नियम बोलो या जीसस का नियम बोलो या दुनिया का नियम बोलो या खुद लाइफ का नियम बोलो मेरे दोस्त नियम तो नियम है ये कन्या कौन है ये कन्या है रज़िया सुल्तान ये कॉइंस ध्यान से देखो रजिया सुल्तान के राज्य के समय का ये कॉइन्स रजिया सुल्तान के समय का है ये इल्तुमुश का टूम्ब है भाई इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स बच्चों हर इंसान मरने के बाद भी चाहता है कि मुझे लोग और संसार याद करे कुतुब मीनार कुतुब बुद्ध नैबक के नाम से आज भी जीवित है तो ये पहले के राजा बड़े-बड़े इमारतें बनाते थे कि हम तो नहीं रहेंगे बट मेरा नाम रहेगा कोत उल इस्लाम मॉस्क इन डेली बड़ा बुरा हाल में है पर ये है भी तो बहुत पुराना पांच डायनेस्टी की बात कही थी हमने आपसे मुगल्स के आने से पहले पांच डायनेस्टी डायनेस्टी नंबर वन इज स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290, 84 नब्बे ईयर्स तक का रूल था और इस डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन एबक ने चालू किया इस डायनेस्टी को शमसुद्दीन इल्तुमश ने इसे आगे लेकर गए रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान के बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी रजिया सुल्तान को नहीं बनाना चाहते थे तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया गया बट वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह गए तो रजिया सुल्तान आ गई रजिया ने भी ज़्यादा दिन तक तो राज नहीं किया उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद आए और उसके बाद घियासुद्दीन बलबान आए तो ये छह महारथियों के कंट्रीब्यूशन से स्लेव डायनेस्टी चला और स्लेव डायनेस्टी के बाद आया खिलजी डायनेस्टी, क्या ये डायनेस्टी एक दूसरे से रिलेटेड थे बिल्कुल नहीं खिलजी डायनेस्टी के बाद आया तुगलक डायनेस्टी उसके बाद आया सैयद डायनेस्टी उसके बाद आया लोदी डायनेस्टी आज हम पढ़ने वाले हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में चैप्टर टू द दिल्ली सल्तनत द मामलोक डायनेस्टी थिंक लाइक अ हिस्टोरियन दर्किटेक्चुरल फीचर्स दैट कैन बी सीन इन द बिल्डिंग्स शोन बिलो क्या है चाहिए रेड सैंडस्टोन देख पा रहे हो ऑर्नामेंटेशन देख पा रहे हो आर्चेस देख पा रहे हो पेबल स्टोन देख पा रहे हो बालकनी देख पा रहे हो मार्बल देख पा रहे हो क्या देख पा रहे हो आप लोग चलिए द ईयर्स स्पैनिंग वन टू जीरो सिक्स सीई टू फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स CE, Lagbag roughly 320 In the medieval Indian history, are known as the period of Delhi Sultanate. After Muhammad Ghori's death, the Indian Empire was divided among his generals. मोहम्मद गोरी ने अपने जनरल्स को दे दिया वन सच सक्सेसफुल जनरल वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक हु अ स्लेव ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ डेली In 1206 CE and founded the slave dynasty, also known as the Mamluk dynasty. The sultans of this dynasty thus came to be called the Mamluk sultans. There were five dynasties that ruled India. बिटवीन 1206 CE and 1526 CE एंड with the slave dynasty स्टार्टिंग विद द स्लेव डायनेस्टी एंड एंडिंग विद द लोधी डायनेस्टी ये मैप स्टडी करने बोल रहे हैं हमें मैप में देखिए व डायनेस्टी किस हद तक रूल कर रही थी द स्लेव डायनेस्टी लास्टेड फॉर नियरली अ सेंचुरी एग्जैक्ट बोले तो एटी फोर ईयर्स इट मार्क्ड The beginning of the Delhi Sultanate. Qutub-u-Din-Aibak. 1206 CE to 1210 CE. Qutub-u-Din-Aibak was born in Central Asia. He belonged to the Ilbari tribe of the Turks. Ilbari. As a child, Ebak was captured and sold as a slave. He was purchased by the chief Qazi of Nishapur. I Qazi Thus, Ebak received a good education. वॉज फ्लुएंट इन परशियन एंड अरेबिक दो भाषा जानते थे एंड रिसीव ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड हॉर्समैनशिप आफ्टर इज मास्टर्स डेथ कौन थे इनके मास्टर काजी ऑफ निशापुर ही वॉज सोल्ड अगेन

Kutubuddin was, responsible, Kutubuddin was responsible for executing and consolidating Sultan Ghori's conquest in northern India. He was given independent charge of the territorial gains from the Indian campaigns. After a brief power struggle following Sultan Ghori's death in 1206 CE, ब्रीफ स्ट्रगल छोटा मोटा तो देखो जब मोहम्मद गोरी का देहांत हुआ तो बहुत लोग चाहेंगे ना कि हम सुल्तान बने हम सुल्तान बने पर अल्टीमेटली बना कौन कुतुबुद्दीन सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ इंडिया ये आसान बात नहीं है दोस्तों इन सुल्तान ऑफ इंडिया ही कौन है जो मुझसे पंगा लेगा कौन है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है कुतुबुद्दीन सक्सीडेड कुतुबुद्दीन इनिशियली रूल्ड फ्रॉम लाहौर जब वो राजा बने राजा तो नहीं द वर्ड इज सुल्तान द टर्क यूज द वर्ड सुल्तान द इंडियंस यूज द वर्ड राजा बेसिकली मेंट द सेम सुल्तान कुतुबुद्दीन इनिशियली रूल्ड फ्रॉम लाहौर एंड लेटर मूव द कैपिटल टू डेली ही इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेली

लगभग 26 साल के लिए 26। सिक्स इल्तुमुश वॉज सन इन लॉ ऑफ एबक जमाई बाबू इल्तुमुश ऑल्सो बिलोंग टू द इलबारी ट्राइब ऑफ टर्क्स। इलबारी ट्राइब कुतुबुद्दीन ऐबक भी इलबारी ट्राइब से थे इल्तुमश भी इल्बारी ट्राइब में थे उन जमाने में आज भी हम धर्म जात पात को कितना मानते गोत्र को मानते हैं तो उस जमाने में भी ये है। उस जमाने में भी ट्राइब की जो बातें थी कि ये हमारा ही ट्राइब का है तो हमारा ही है कुतुबुद्दीन ऐबक एज वेल एज इल्तमश ही शोड साइंस ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम हिज अर्ली डेज बचपन से एक बच्चा होता ना कि हाँ हाँ तुम बहुत समझदार हो कई बार ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े सुल्तान होते हैं उनके नज़र में रहता है कि ये बच्चा होनहार है इस बच्चे पर मेरा हाथ रहना चाहिए ये बच्चे आगे चल के काम में आएगा तो अर्ली डेज से ही इल्तुमिश नजर में था किसके कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुमिश इज अकम्पलिशमेंट अटेंशन ऑफ कुतुबुद्दीन एबक देन वाइस रॉय ऑफ डेली जब कुतुबुद्दीन एबक वाइस रॉय हुआ करते थे घोड़ी के अंडर में उस जमाने से ही नजर में कौन था इल्तुमिशक परचेज हिम एट ए हाई प्राइस परचेज हुम ऐबक ने खरीदा किसी इल्तुमिश को खरीदा कुतुबुद्दीन एबक खुद एक स्लेव था इल्तुमुश भी एक स्लेव था इलबारी ट्राइब का स्लेव था कुतुबुद्दीन एबक बहुत इंप्रेस था इल्तुमिश से और बेसी कीमत हाई प्राइस देकर किसे खरीदा इल्तुमुश को और क्यों खरीदा ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट्स इल्तुमुश स्लोली रोज इन स्टेटस एंड वॉज इवेंचुअली मेड द गवर्नर ऑफ बदाउन अपने मेरिट पर अपने बाहुबली पर अपने बाहुबल के दम पर इल्तुमश स्लोली रोज इन स्टेटस पहले स्टेटस क्या था एक गुलाम का स्टेटस था बट इवेंचुअली गवर्नर बन गया बदाउन का आपको नहीं लगता कि ऐसा ही सेम टू सेम कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक का था कई बार ऐसा होता ना कि लोग अपनी परछाई देखते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है जब मैं जवान था तो मैं भी ऐसा ही सोचता था मैं भी इतना ही बहादुर था शायद इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत हाई प्राइस देकर इल्तुमश को खरीदा और यस कुतुबुद्दीन ऐबक सही था देखते ही देखते स्टेटस बढ़ गया इतुमश का और कहाँ का गवर्नर बना याद रखना होगा दोस्तों आपको मेड द गवर्नर ऑफ बदाउन अगर आप आपको याद रखना है कि इल्तुमुश गवर्नर कहाँ का बना इसको आप तोड़िएगा हिस्ट्री को याद करने के लिए थोड़े से वर्ड्स के साथ खेलो राइट अगर वो इतना ही अच्छा था तो बैड गाँव का क्यों बना बेडाओ सो जस्ट कुछ भी अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाओ सो so इल्तुमुश अच्छा गवर्नर बना एक बैड गांव का तो बैड गांव याद रखिएगा तो याद आ जाएगा बैडाउ सो so, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आपको याद रखना होगा क्योंकि नंबर आपको लेने हैं ये सब फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं सो यू शुड नो इट सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा इल्तुतमिश को और इल्तुतमिश बना गवर्नर बदाउन का ही ऑल्सो मैरिड द डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक आपको क्या लगता है कि इल्तुतमिश को क्या बहुत आसानी से राज्य मिल गया कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद सबको मालूम था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का फेवरेट है बट याद करिए चंडालनी चंडालनी नहीं कहा मैंने अगर आपने चंडालनी सुना है तो चलो ठीक है याद रखिएगा, चंडालनी चंडालनी का मतलब क्या होता है जो बदमाशी करे तो वैसे इन्हें कहते थे छहलगनी तो ये छहलगनी कौन थे वही फोर्टी नोबल्स ये फोर्टी नोबल्स किसे चाहते थे एक बंदा था जिसका नाम था आराम शाह भाई साहब सारा दिन आराम फरमाते रहते थे और ये चंडालनी लोग क्या चाहती थी चंडालनी लोग चाहती थी कि आराम शाह को राजा बना दिया जाए या सुल्तान बना दिया जाए और बना दिया इन्होंने आराम शाह को और एक बात बताओ जब भी कोई कमज़ोर इंसान राज्य को संभाले दोस्तों याद रखना कोई चापलूस इन चंडाल सेना जो फोर्टी पीपल चहलगनी कहते हैं उनको वो सेट कर लिया था कि मुझे राजा बना दो मुझे सुल्तान बना दो मैं ये दे दूंगा मैं वो दे दूंगा कहीं ना कहीं राजनीति ऐसे ही होता है आराम शाह को सुल्तान बना दिया गया बट जैसे ही आराम शाह सुल्तान बना जो बहुत सारे गवर्नर्स देखो एक राजा एक सुल्तान के अंडर में बहुत अलग अलग टेरिटरीज होती है आराम शाह अगर सुल्तान बनेगा हाँ तुमसे कौन डरेगा जा आपसे इस राज्य का मैं ही राजा या मैं ही सुल्तान अब मैं इंडिपेंडेंट तो ऐसे कहानी आने स्टार्ट हो गए बताऊंगा मैं आपको कौन से प्रांत में किसने इंडिपेंडेंस किया या कुछ राज्य जो हम अभी तक जीत चुके थे वो राज्य भी अब ओह आराम शाह कमजोर सुल्तान है इससे कौन डरेगा तो ये कहानी होना स्टार्ट हुआ और इस कहानी होने से क्या फायदा हुआ किसे फायदा हुआ आइए हावेवर आराम शाह टर्न आउट टू बी अ इनकेपेबल रूलर बना तो दिया चंडाल चौकनी ने बना तो दिया जी से मैं रेफर कर रहा हूं छालगनी को छाल ने बना तो दिया इसे बट एक साल के अंदर टाइ ट इनकेपेबल रूलर एंड वॉज रिप्लेस्ड विद इन वन ईयर बाय टूटमिश इल अगर इसे याद रखना है इस नाम को मेरे दोस्त इल तो आई इल will... तोड़ दूंगा मैं तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा मैं एंड ये मेरा विश है किसे आराम शाह को तो ये नाम याद रखिएगा एबक के बाद छहल गनी ने क्या किया छालगनी ने छल किया छल गनी छल से बना दिया आराम शाह को जो सिर्फ आराम फरमा रहे थे और आई विल टूट यू आई विल टोड़ो यू आई विल मोड़ो यू ये मेरा विश है और ये विश पूरा हुआ इल मिश सुल्तान बने बट जब वो सुल्तान बने तो बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने दोस्तों क्योंकि आराम शाह के एक साल के पीरियड में बहुत कुछ गंडगोल हो गया था बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी थी सब कोई डरे हुए थे और सबको पता था कि इल्टुटमिश बहुत बहादुर है कुतुबुद्दीन ऐबक के नज़र का था यस yes, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे दोस्तों बट जो हिम्मत वाला है वो उस चैलेंज को पार करेगा वैसा ही हिम्मत दिखाया इल्तुतमिश ने क्या किया उसने ही वॉज गिवन द टाइटल अल्तमाश और इल्तमाश अल्तमाश और इल्तमाश का मतलब होता आर्मी जनरल पहले तो ये आर्मी जनरल थे ही ऑन इज एक्सेशन टू द थ्रोन विच लेटर चेंज टू उल्टुटमिश इल्टुटमिश मतलब ओनर ऑफ यूज लैंड इसका मतलब क्या है जब इन्होंने सुल्तानत को संभाला तो इनका नाम रखा गया अल्तमाश और इल्तमाश जिनका मतलब था आर्मी जनरल उस समय घर के अंदर ही जंग छिड़ चुकी थी घर के खुद के लोग विद्रोह कर चुके थे कल तक जो हमारे नीचे काम कर रहे थे कल आज के दिन में वो बोल रहे कि जाओ मैं तुम्हें नहीं मानता तो इल्तमाश का दरकार है हमें इल्तमाश इल्तमाश, इल्तमाश। आर्मी जनरल चाहिए एक मजबूत लीडर चाहिए और बाद में वो लीडर जब सब कुछ को अपने कस्टडी में लेने ले में सक्सेसफुल हुआ तो उसका नाम बदल के रख दिया गया इल्तुतमिश जैसे ही सुल्तान इल्तुतमिश आए क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें झेलना पड़ा आइए आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन हैड टू डील विथ सेवरल प्रॉब्लम्स टू तो कंसोलिडेट हिज पोजिशन एज द सुल्तान ऑफ डेली बहुत प्रॉब्लम्स थे उसे अपना पोजिशन को कंसोलिडेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ कर दिखाना पड़ेगा और क्या वो कर दिखाएं आइए पहले प्रॉब्लम देखते हैं <coughs> याद रखने के लिए वो कल का अपना बच्चा नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन बच्चा अपना आज वो बागी बन बैठा है विद्रोह कर दिया है आइए पढ़ते हैं नसीरुद्दीन कुबच्चा द गवर्नर ऑफ मुल्तान मुल्तान किसके अंडर में था मुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में था वो गवर्नर था गवर्नर किसे बनाया गया था नसीरुद्दीन बच्चा अपना नसीरुद्दीन को बच्चा बट उसने क्या कहा? ओवर सिंध विद द इंटेंशन ऑफ एक्सटेंडिंग अथॉरिटी ओवर पंजाब सिंध और पंजाब तक मैं चला जाऊंगा और मैं खुद इंडिपेंडेंट सुल्तान रहूंगा ये नसरुद्दीन को बच्चा मतलब नसरुद्दीन का बच्चा ऐसा कह रहा है इल्तमुश जी अब आपको देखना होगा ठीक है इल्तमुश ने देखा क्या किया इल्तमुश ने बट प्रॉब्लम्स और भी थी तो चलो एक एक करके पहले प्रॉब्लम्स को समझते हैं नसरुद्दीन के बच्चे को तो देख लेंगे और क्या प्रॉब्लम है बताओ एक मर्द हुआ करता था उन जमाने में एक मिनट उसका नाम था अली अली मर्दान नाम था उसका और ये खलजी था खलजी खलजी नोबल टर्किश नहीं था ये खलजी नोबल आगे हम देखेंगे वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्स सी कुतुबुद्दीन एहबक तो रहे नहीं बीच में आया आराम शाह आराम शाह एक कमजोर सुल्तान था और क्योंकि आराम शाह से कोई डर नहीं रहा था तो ये अली मर्दान ने क्या कहा अली मर्दान ने कहा कि जाओ मैं ही बंगाल का सुल्तान देखो क्या लिखा हुआ है हावेवर मर्दान थ्रू हिज एलिजियंस एलिजियंस मतलब पार्टनरशिप एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम सेल सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन रहे हैं बड़ा खुश होता था तो अली मरदान अ खलजी नोबल अपॉइंट किया था इसे कुतुबुद्दीन ने ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्स सीई में कहा पर अपॉइंट किया था यह क्वेश्चन हमने देखा था इन द ब्लैंक्स में दोस्तों गवर्नर ऑफ बंगाल तो इसे भी ठिकाना लगाना होगा ठीक है ये भी चैलेंज किसके ऊपर आया इल्तमुश के ऊपर ये चैलेंज आया कि अली मर्दान अपने आप को सुल्तान अलाउद्दीन कहकर हम में नहीं मान रहा है क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई नहीं जी अगर आपको याद हो ग्वालियर रंथम्बोर ये सब राजपूत स्टेट्स हुआ करते थे और राजपूत वॉरियर्स के बारे में सब जानते हैं ग्वालियर एंड हैड रिकवर्ड बाय द इंडिजीनियस रूलर्स इंडिजीनियस रूलर्स मतलब हमारे देश के रूलर्स इन्हें कहा जा रहा है बाहर के रूलर्स ड्यूरिंग द वीक रूल ऑफ आराम शाह दे रिफ्यूज टू रिकोगनाइज सुजिटी बड़े मुश्किल से तो हमने आराम शाह से वापस ले लिया है ग्वालियर और अंथमपुर किस समय ले लिया जब आराम शाह एक साल का राजा था या सुल्तान था इसके बाद जब इल्तुतमिश आया सुल्तान बनकर तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम आपको नहीं पहचानते हैं हम आपको नहीं मानते हैं क्योंकि तो ये हमने आराम शाह के टाइम पे ले लिया है हम आपको नहीं मानेंगे हम आपका डोमिनेंस को नहीं मानेंगे सुजारिटी का मतलब डोमिनेंस और तो और द अमीर ऑफ डेली एक्सप्रेस रिजेंटमेंट अगेन इल्तुतमिश रूल डेली में एक कास्ट था अमीर उन्होंने भी कहा कि भाई हमें आपका राज्य आपका सुल्तनत मंजूर नहीं है जी कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है दोस्तों ट्वेल्व ट्वेंटी वन सी द मोंगोल्स अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस मोंगोल्स से खतरा था सबको बड़ा ही खतरनाक ट्राइप था दे ओवर एंड द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया विथ लाइटनिंग रेपिडिटी मोंगल्स के बारे में बताया जा रहा है सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया में लाइटनिंग रैपिडिटी मतलब क्या स्पीड हुआ करता था एक ही धटके में पूरे के पूरे सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया पर कब्जा कर लेते थे मंगोल्स वेन दे अटैक्ट जल्लाउदी बड़ा अजीब अजीब नाम होता है बच्चों याद करने के लिए देखो मुझे तो बड़े हंसी आ रही है मैं अब अपना जोक बताई देता हूं आपको इसके याद रखने के लिए जैसे होता ना कि तुमको अटैक किया और आओ मैं तुम्हारा मांग भर देता हूँ अब से तुम मेरे तो so जलाउद्दीन मांग भरनी देखो उसको अटैक किया और उसका मांग भर दिया कि चलो अब तो मेरे नाम का सिंदूर तुम्हें पहनना है सो so जलाउलुद्दीन मांग बर्नी ने क्या क्या वो फटाफट भागा वहां से द लास्ट शाह ऑफ ख्वार द लेटर फ्लेड टू पंजाब ही सॉट असाइलम अंडर अल्तुतमिश अल्तुतमिश के पास चला गया क्योंकि कि, पंजाब किसके रूल में था पंजाब अल्तुतमिश के रूल में था जलालुद्दीन मांगबर ने द लास्ट शाह ऑफ क्वारिज्म देखो के एच को अलग करो डब्ल्यू ए आर वॉर हो गया और इज़मी अपने आप से पूछो इज इट यू ये इट इज मी वो अपने शक्ल देख नहीं पा रहा था आईने में जब उसका मांग भर दिया तो इज इट मी वॉर के बाद बोला येस इट मी सो के एच वॉर इज मी दास्ट शाह लास्ट शॉफर इतम अब इल्तुत मिश ने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया दोस्तों इंपॉर्टेंट यह है आप प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्स कैसे करते हो इल्तुत मिश ने भी बड़े ही समझदारी से प्रॉब्लम को रिस्पॉन्स दिया सबसे पहला जब भी प्रॉब्लम आए तो घबराओ मत इल्तुतमिश डिड नॉट गेट एंड फेस द प्रॉब्लम रेजोल्यूटली रेजोल्यूटली मतलब एकदम पूरा पक्का इरादा से ही सॉल्व दैम बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स इल्तुतमिश इफेक्टिवली सप्रेस द रेबेलियन ऑफ अमीर नियर डेली याद करिए अभी थोड़े दिन पहले बता रहे थे अमीर जो है वो खुश नहीं थे तो उन्हें सप्रेस किया ही देन ब्रॉट

1217 में बट समय लगा दोस्तों ग्यारह साल लगा और सिंध दिल्ली सल्तनत में ऐड हो गया याद करो अलाउद्दीन खलजी गवर्नर ऑफ बंगाल जो बोला था कि मैं सुल्तान अलाउद्दीन हूं उसे भी इल्तुतमिश ने सबमिट करा लिया कि ए भाई कौन सुल्तान नहीं नहीं माफ कर दीजिए इल्तुतमिश जी माफ कर दीजिए अब आया बात मंगोलियन का मंगोलियन के समय में बड़ा ही समझदारी से काम लिया इल्तुतमिश ने द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एक्ट the greatest act of diplomacy lay in tackling the mongol menace the mongol menace word use kiya किया raha hai कि मंगोल अगर इंडिया में घुस जाते तो ये पूरा का पूरा सल्तनत को उखाड़ फेंकते कैसे मंगोल्स को घुसने से बचाया when jalaluddin mangbardani whose usko mang bhar diya tha jo maine bataya tha aapko sought asylum under iltuutmish the sultan of delhi refused to give refuge कि नहीं भाई मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम द थ्रेट ऑफ मोंगोल इनवेजन कहने का मतलब यह है कि अगर ये जलालुद्दीन मांग बरनी कहा अगर वो बोलता कि कोई बात नहीं मैं तेरे मांग पे सिंदूर भर देता हूं उसने ऐसा नहीं किया अगर वैसा होता तो मंगोल बोलता अच्छा मेरी बीवी को तुम सिंदूर लगाओगे रुको मैं आता हूं ऐसा नहीं किया उसने समझदारी की तो मंगोल्ज इंडिया में नहीं आए अगर मोंगोल्ज़ इंडिया में आते तो ये हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं कुछ और पढ़ रहे होते दिल्ली सल्तनत जो 300 सौ सवा तीन साल तक की जो फाइव डाइनेस्टी रूल किए हैं यहीं से मंगोल्स का कब्जा हो जाता भारत पर अब वो अच्छा होता या खराब होता ये तो बताना मुश्किल है द टूम्ब ऑफ विलतुतमेशन कॉम्प्लेक्स आइए अब इल्तुतमिश एज अ रूलर पढ़ते हैं कि वो कैसे रूलर थे इलतुतमिश सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग अ एस स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इज एम्पायर ही मिंटेड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस मोर एवर ही एनकरेज द राइटिंग ऑफ इस्लामिक क्लासिक्स धर्म का बुक्स लिखो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इशू किया कुतुबुद्दीन ऐबक का फेवरेट हुआ करता था तो कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया इसने कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड ऑल्सो बिल्ड इज ओन टूम विद रेड सैंडस्टोन इन डेली ही बिल्ट वाटर वर्कस मॉस्क एंड अदर एम्यूनिटीज इन डेली इन ऑर्डर टू मेक इट फिटिंग सीट ऑफ गवर्नमेंट से फिटिंग सीट ऑफ गवर्नमेंट दिल्ली को दिल्ली में उसने क्या कहा वाटर वर्क्स बनाया मॉस्क बनाया अदर बनाए, दिल्ली में इन ऑर्डर टू मेक इट फिटिंग सीट ऑफ द गवर्नमेंट राज कहाँ से करना था दिल्ली से तो अगर दिल्ली से राज करना है तो दिल्ली को अच्छा करो अब आइए रजिया सुल्तान के बारे में कुछ जानते हैं यूजली नोन एज रजिया सुल्तान इन हिस्ट्री बहुत लंबा राज्य नहीं था इनका तीन साल का था रजिया वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली वुमन सुल्तान शी इज अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स ऑफ द डेली सल्तनत। रजिया सुल्तान वॉज ट्रेन टू लीड एन आर्मी एंड एडमिनिस्टर अ किंगडम इन टाइम्स ऑफ नेसेसिटी मतलब आर्मी को भी लीड कर सकती थी और किंगडम को भी एडमिनिस्टर करने का हिम्मत था उसमें ऐसा क्यों हुआ कि रजिया सुल्तान को आना पड़ा इलतुत्मिश के जो बेटे थे काम के नहीं थे बेकार थे इनकम्पिटेंट बट हिज डॉटर रजिया वॉज वेल एजुकेटेड एंड एडेप्ट इन मिलिट्री ट्रैक्टिस देर फोर इल्तुतमिश नॉमिनेटेड रजिया एज ए सक्सेसर हिज विश वॉज कंसिडर्ड ऑफेंसिव बाय द छालगनी याद है ना वो 40 नोबल्स क्यों क्योंकि तो इल्तुतमिश भी बड़ा कंट्रोवर्सी करके ही आया था ये छालगनी क्या चाहते थे आराम शाह को बनाना चाहते थे याद करो उसके बाद जब इल्तुतमिश के बच्चे लड़के नालायक निकल गए इसमें भी दोस्तों षड्यंत्र हो सकता है बट चलिए हमें तो अभी हिस्ट्री हिस्... एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है सो so, रजिया को सुल्तान बना दो ये मंजूर नहीं था छालगनी को क्या होता है देखिए कोर्ट रिफ्यूज टू द सुल्तान दस द डिस नॉमिनेटेड सक्सेसर मतलब आखिरी इच्छा भी नहीं माने सुल्तान सक्सेसर कौन था रजिया एंड रेज रुकनुद्दीन फिरोज शाह टू द थ्रोन फिरोज शाह को बना दिया राज सुल्तान ये रजिया के बारे में देखिए कि तेरह साल की उम्र में उसे घुड़सवारी और मिलिट्री एक्सपेडिशन जाता था आगे पढ़ते हैं द डेथ ऑफ The death of Tumush was followed by many years of political instability in Delhi. Ruknuddin's reign was short. He was an incapable ruler. In 1236 CE, Ruknuddin was assassinated. Mar diya gaya. The nobility finally agreed to allow Razia to reign as the Sultan of Delhi. There was no option. Nahi tha. Even before becoming a sultan, she reportedly kept herself preoccupied with the affairs of the state. ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। सुल्तान का पोस्ट नहीं चाहिए मुझे। ये मेरे पापा का कमाया हुआ मेहनत है। so before before becoming a sultan, she reportedly reports थे कि वो हमेशा preoccupied रहती थी affairs of the state, मतलब राज्य का पूरा काम खुद संभाल रही थी। श्रूट पॉलिटिशियन बहुत समझदार बहुत शातिर पॉलिटिशियन थी रजिया रजिया मैनेज टू कीप द नोबल्स इन चेक जो छालगनी नोबल्स का बात हो रहा है नोबल्स को उसने चेक पे रखा वेल एनलिस्टिंग द सपोर्ट ऑफ द आर्मी आर्मी का सपोर्ट था रजिया के पास इसीलिए ये नोबल्स चेक पे थे दोस्तों नहीं तो चेक पे नहीं आते और सपोर्ट किसका था आम जनता का सपोर्ट था ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट शी वॉज एबल टू मैन्युपुलेट द रिबल फैक्शन इंटू अपोजिंग ईच अदर ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट शी वॉज एबल टू मैन्युपुलेट द रिबल फैक्शन इंटू अपोजिंग ईच अदर होता क्या था डिवाइड कर दिया इसने ये एक ग्रुप है ये एक ग्रुप है अलग अलग ग्रुप को खुद पर ही लड़ा दिया उसने अगर समझ लीजिए दोस्तों दो ग्रुप थे जो रजिया को अपोज कर रहे थे रजिया ने ऐसा गेम खेला कि वो दो ग्रुप को ही आपस में लड़ा दिया तो ये बहुत ही क्लेवर बात था एट दैट पॉइंट रजिया सीम डेस्टाइंड क्योंकि जितने अपोजिशन ग्रुप थे वो आपस में लड़ने लग गए एट डेट पॉइंट रजिया सीम डेस्टाइंड टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डेली सल्तनत क्योंकि ऑपोजिशन अगर यूनाइट हो जाए तो दिक्कत हो सकती थी ऑपोजिशन को उसने यूनाइट होने नहीं दिया मगर एक कमी थी रजिया में क्या था वो हवे व पार्शलिटी टूवर्ड्स जमालुद्दीन युकत एन एडवाइजर ऑफ एफ्रीकन डिसेंट इग्नाइटेड द जलिसी ऑफ टर्किस नोबलिटी आप बताइए कोई अफ्रीका से था उनका नाम था यकुत जमालुद्दीन यकूत टर्किश नोबल को बहुत जलन होती थी कि कोई अफ्रीकन से वो इतना एडवाइज क्यों ले रहा है हम मर गए क्या जाहिर सी बात है नोबलिटी ने हमेशा षडयंत्र किया था भरोसा उठ चुका था Eventually, she was overthrown around 1240 CE, and her brother Muzayuddin Bahram Shah usurped the throne. Usurped, matlab, zor karke le lena. As a Sultan, Razia reportedly sought to abolish tax on non Muslims. Non-Muslims means Hindus or Jainis. But this was met with opposition from the nobility. Razia established schools, academics, centers for research and public libraries. These libraries included the works of ancient philosophers along with the Quran and the commentaries on the traditions of Islam. These the coins issues. Now let's talk about बल्बान ट्वेल्व सिक्सटी फाइव सी टू ट्वेल्व एटी सी लगभग उन्नीस साल का रूल बलबान का ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद द दंगेस्ट सन ऑफ इल्तमिश बलबान रूल द स्टेट एज एज रीजेंट पिताजी के समय भी मतलब नसरुद्दीन मोहम्मद उस समय भी बलबान रूल कर रहे थे नसरुद्दीन वाज अ वीक रूलर And spent most of his time in prayers. After Nasiruddin died in 1265 CE, Balban declared himself as the Sultan of Delhi. During his reign, his reign, Balban reign, ruled with an iron fist, He broke up the Chalgani, 40 nobles, He broke that. the most important group of 40 nobles in the court he tried to establish peace and order in the country iska matlab kya tha he worked with his own mind उसे 40 दिमाग की दरकार नहीं थी उसे खुद का दिमाग पे भरोसा था उसी समय द रिवोल्ट ऑफ द जाट्स एंड द राजपूट्स व ब्रूटली कर्स्ट बाई बलबान इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एम्पायर फ्रॉम मोगल इन्वेंशन इन्वेजन जाट और राजपूत को तो संभाल लिया और मॉंगल इन्वेजन से बचने के लिए उसने क्या किया ही बिल्ट न्यू फोर्ट्स ही ऑल्सो रिपेयर द ओल्ड फोर्ट्स बिटवीन द एरिया अराउंड द रिवर इंडस एंड डेली क्यों इंडस एंड डेली ही तो एक जगह था जहाँ से घुस सकते थे मोंगोल्स तो नए फोर्ट्स बनाए नए किले बनाए इस किले में क्या है सोल्जर्स घुस जाते थे और वहाँ से अटैक कर सकते थे और ऑल्सो रिपेयर द ओल्ड फोर्ट्स बिटवीन द एरिया अराउंड रिवर इंडस एंड डेली बलवान साहब की खूबी थी ही बिलीव्ड इन डिवाइन किंगशिप कुछ भगवान से कनेक्टेड क्यों क्योंकि तो याद करो उसके पिताजी हमेशा प्रेयर्स में मगन रहते थे तो संस्कार दोस्तों ऐसे ही मिलता है बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप को करते देखते हैं दैट इज द रीजन बलबान बिलीव इन डिवाइन किंगशिप ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ डेप्यूटी ऑफ गॉड कितना मतलब तो तो भगवान का डेप्यूटी समझना कि भाई मैं तो भगवान के लिए काम कर रहा हूँ ऑन अर्थ His court was organized along the pattern of the Persian royal court. Persian royal court se wo bada impressed tha, usne apna bhi court ko usi pattern pe He introduced the Persian custom of Sijda or prostration before the king, and Paibos or kissing the feet of the king. the pura jhukke jhuk jana usse khatay sthijda, jo aaj hum kehte na shajda. And Paibos bos फीट ऑफ द किंग आफ्टर हिस्सनिहम्मद वॉज किल्ड बाई द मोन्गोल्स बलबान रियलाइज देंट्रलाइज मोनार्की वु सेट बैक उसके बेटे प्रिंस मोहम्मद को मोंगोल्स ने मार दिया और उसे पता चल गया कि अब उसका सेंट्रलाइज मोनार्की वुड सफर क्योंकि उसके बाद जो उसका बेटा था प्रिंस मोहम्मद नहीं रहा तो उसे समझ में आ गया था कि अब आगे इस वंश को चलाने वाला कोई नहीं है और जब वो मरा हि सक्सेस वर वीक एंड इनकम्पीटेंट उसे भरोसा था प्रिंस मोहम्मद के ऊपर और उसे ही मार दिया गया मंगोल्स ने मार दिया बस होना क्या था थ्रोन वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड बाई जलालुद्दीन फिरोज खलजी इन ट्वेल्टी नाइन्टी सी ई मतलब एक नया डायनेस्टी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इन ट्वेंटी नाइन्टी सी ई Bringing an end to the slave dynasty and our chapter. See so chapter two, khatam hota hai, dosto Balbanka tomb. Connecting the past with the present. The Balban tomb is considered to be the first structure in the medieval India which comprised a dome and an arch. This style of architecture eventually became a mark of all future medieval Indian buildings, such as the Taj Mahal. Taj Mahal का भी शुरुआती स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये balban ne hi चालू किया था आज के सिचुएशन पे अगर हम जाएँ तो आज के सिचुएशन पे हाल बहुत बुरा है नथिंग मच ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ बलबान स्टूम रिमेन्स टूडे द स्ट्रक्चर इज इन ruins, विद ग्रास growing from द रिमेनिंग वॉल्स इट इज सिचुएटेड मेहराली आर्कोलॉजिकल पार्क इन न्यू डेली डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक बेटर केयर ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग दोस्तों ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज नहीं पढ़ेंगे द खल जी डाइनेस्टी चलो आई होप यू ऑल इन्जॉयड बहुत ईजी है इसी लेक्चर को एक से दो बार सुनोगे चीज दिमाग में घुस जाएगी फिर आपके पास टेक्सट बुक है अंडरलाइन कर लो याद कर लो इजी है कनेक्ट करो चीज़ों को रटो मत चलो दोस्तों आई एम वेरी श्योर यू ऑल एन्जॉयड चलो टेक केयर बाय बाय